हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में साधु महात्मा संत समाज का आवागमन होता रहता है। हम और भी भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में गुरु उतर आते हैं। इतना सब होने के बाद भी मनुष्य के जीवन में एक प्रश्न कभी कभी अनुत्तरित ही रह जाता है, और वो प्रश्न है, क्या भगवान है? और यदि हैं तो कैसे मिलते हैं? इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसा सरल ग्रंथ लिख के हमको आश्वस्त किया है। दो उपकार तुलसीदास जी ने हमारे ऊपर बड़े किए। जो राम पहले ऋषि मुनियों के थे, विद्वानों के थे, साधु संतों के थे, उन्होंने उन राम को परिवार के राम बना दिया और हमें हमारे हनुमान सौंपे। ये दो उपकार आज भी हमारे समाज पे तुलसीदास जी के हैं। चार शास्त्र हमारे यहाँ, रामायण, महाभारत, गीता और भागवत। महाभारत रहना सिखाती है, गीता करना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती, भागवत मरना सिखाती है। हम जीने की कला सीख रहे हैं इस समय राम कथा से। रामचरितमानस के आधार पर इसको अपन सुन रहे हैं। देखिए देवियों और सज्जनों, वैसे तो ये कथा सात कांड में बटी हुई है। तुलसीदास जी ने पहला कांड बालकांड, दूसरा अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड, ऐसे सात कांड हैं। कथाएं आपको मालूम है, अब कथाओं के विस्तार पे नहीं जाएंगे। हर कांड में एक सूत्र बसा है, जीवन का सूत्र। हम इस पूरी कथा को इसीलिए सात कांड में बांट कर सुन रहे हैं। खास तौर पे नई पीढ़ी के बच्चों के सामने जब राम कथा वो पढ़ते हैं तो एक समस्या आती है कि कभी कभी वक्ताओं द्वारा प्रसंग जोड़े जाते हैं, तो जो प्रसंग लंका कांड का है वो कभी बाल कांड में सुनने में आ जाता है। इसीलिए हमने प्रयास किया कि पांच दिन की इस कथा में पहले दिन बालकांड, दूसरे दिन अयोध्या कांड, तीसरे दिन अरण्य और किष्किंधा, चौथे दिन सुंदर कांड और पांचवें दिन लंका कांड और उत्तर कांड को मिला के कथा करें। ऐसे पांच दिन में ये कथा पूरी हो रही है। सिंहस्थ के इस पावन अवसर पर हनुमत धाम की जो स्थापना की गई, इसमें पहली कथा हुई थी 25 तारीख से 29 तारीख तक शिव पुराण की। फिर दूसरी कथा हमने की थी भागवत की, 2 तारीख, 3, 4, 5 और 6 तारीख तक। तीसरी कथा अब आप राम कथा सुन रहे हैं और चौथी फिर 16 से 20 भागवत जी है। पांच पांच दिन की कथा इसीलिए की गई कि संक्षेप में सूत्र की बात लोग यहां से ले जा सके। कल हमने बालकांड सुना था, आज हम अयोध्या कांड सुनेंगे। कल का सूत्र था सहजता। बचपन से यदि सहजता चली जाए तो बचपन विकृत हो जाएगा, और आपकी कोई सी भी उम्र हो, अपने भीतर का बचपन, अपने भीतर की सहजता को समाप्त मत करिए। भगवान अंतिम समय में आपके प्रति सिर्फ यही देखना चाहेगा कि आपकी सहजता कितनी बची है, और इसीलिए इस सहजता को बचा के रखना है। आज का सूत्र है अयोध्या कांड से सत्य। फिर अरण्य में देखेंगे संतुलन, किष्किंधा में हम देखेंगे संघर्ष, सुंदर कांड में सफलता, लंका कांड में संकल्प और उत्तर कांड में समर्पण। तो आज का सूत्र है सत्य। आज अयोध्या कांड का जो घटनाक्रम है पहले वो सुन लीजिए। घटनाक्रम यह है, चूंकि हमारा अनुष्ठान है इसलिए कम से कम कथा पूरी हो जाए, कि भगवान लौट कर आ गए विवाह करके। दशरथ जी ने भगवान के राज तिलक का निर्णय लिया,
केकई ने मंत्रा का कुसंग किया और निर्णय पलटा दिया। भगवान वन को चले गए। भगवान वन में अनेक लोगों से मिलते हैं पर लौट के नहीं आते। भरत जी आते हैं, सब लोग समझते हैं कि इस षड्यंत्र में भरत का भी हाथ है, लेकिन भरत जी कहते हैं कि भैया राम के बिना मेरे लिए राजगादी का कोई अर्थ नहीं है। और अपने बड़े भाई राम जी को लेने के लिए भरत जी सबके साथ जाते हैं। भगवान श्री राम उनको समझा देते हैं, लौटा देते हैं। अयोध्या के लोग लौट आते हैं, श्री राम अपनी चरण पादुका भरत जी को देते हैं और अयोध्या कांड समाप्त हो जाता है। ये कथा आपको मालूम है, इसमें नई बात मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हम चर्चा ये करेंगे कि आखिर अयोध्या कांड का जो सूत्र है सत्य, ये हमको क्या समझा सकता है, क्योंकि आज जीवन में सत्य के अर्थ ही बदल गए। कहा तो जाता है सत्य परमात्मा का स्वरूप है और सत्य बोलिए, लेकिन क्या सत्य का संबंध केवल बोलने से है? ऐसा मान लिया गया कि सत्य है ना बोलना, लेकिन यदि जीवन में ये परखना चाहे कि सत्य उतरा है कि नहीं उतरा है, तो सत्य की सीधी सी परिभाषा यह है कि जिस समय मन वचन और कर्म में एक रूपता आ जाए उस समय जीवन में सत्य घटता है। यह सीधी सी परिभाषा है सत्य की। यदि जीवन में मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, कर्म में कुछ और है, तो फिर मान के चलिए कि अभी आप सत्य से दूर हैं। तो केवल बोलने का लेना देना नहीं है सत्य का, केवल वचन से संबंध नहीं है, मन और कर्म से भी है। और इसीलिए आज सबके अपने अपने सत्य हो गए, पर सत्य तो सत्य ही है। सत्य रूपी ईश्वर हमारे भीतर बसा है, लेकिन हमने झूठ के इतने आवरण ओढ़ लिए कि हम अपना ही सत्य नहीं जान पाते। और सबसे बड़ा सत्य हमारा ये है कि हमारा होना, हम जीवन टिकाते हैं दिखने पर, जीवन टिकना चाहिए होने पर। अंग्रेजी में कहते हैं बीइंग और दूसरा है डूइंग। इसलिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि सत्य को कैसे समझें। आइए विचार करते हैं। इससे पहले कि कथा में चलें, मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। ऐसा हुआ कि एक बार एक महात्मा जी अपनी कुटिया में बैठे थे और महात्मा जी को एक सपना आया। उन्होंने सपने में देखा एक पुल बना हुआ है नदी के ऊपर, वहां एक सिपाही खड़ा हुआ है और उस सिपाही के पैर के नीचे खजाना गड़ा है। तो महात्मा जी ने सोचा कि चले, सपना मुझे आया है, सिपाही को तो मालूम भी नहीं होगा कि उसके पैर के नीचे खजाना गड़ा है, उसे मालूम नहीं है, मुझे सपना सच दिख रहा है, तो चले वो खजाना ले आए। बाबाओं को भी धन की जरूरत तो पड़ती है, आजकल तो ज्यादा ही पड़ती है, तो बैठे ठाले खजाना मिल रहा है। तो बाबा जी चल दिए, ढूंढने लगे कि वैसी नदी कहाँ है, वैसा पुल कहाँ होगा और उस पुल पे सिपाही भी खड़ा होगा कि नहीं होगा। अब सपना आया है तो चलो उसका सत्य तलाशें। तो घूमने लगे, ढूंढते ढूंढते अचानक उनकी दृष्टि पड़ी तो देखा बिल्कुल वैसी ही नदी है जैसे सपने में थी, उसके ऊपर बिल्कुल वैसा ही पुल है जैसे सपने में था। और उसके बाद कमाल तो ये हुआ कि वहां एक सिपाही भी खड़ा हुआ था और सिपाही वही कपड़ा पहना था जो सपने में दिखा। और महाराज जी ने कहा, जब इतना सब कुछ सच हुआ तो खजाना जरूर नीचे पक्का, अपना काम हो गया। लेकिन महाराज जी ने सोचा कि यदि मैं सिपाही से कहूंगा कि तेरे पैर के नीचे खजाना है तो फिर ये मुझे तो देगा नहीं। जब बाबा जी कुछ विचार करने लगे तो सिपाही ने देखा कि क्या बात है बाबा,
इस पुल के आसपास क्यों मंडरा रहे हैं? क्या कूद कर आत्महत्या करने का इरादा है नदी में? क्या इरादा है? बाबा जी को लगा के देखो, इस झंझट में समय बीत जाएगा, इसको सच बताई देते। तो उन्होंने कहा, आप कितने दिन से यहां खड़े? बोले, रोज की ड्यूटी, यहीं खड़ा रहता हूं वर्षों से। अच्छा, तब बाबा जी ने कहा, सच तो ये भैया, आज साधना के बाद जब मैं सोया तो मुझे एक स्वप्न आया, और उसमें स्वप्न में बिल्कुल यही नदी, यही पुल और आप भी दिखे, और इतना सब कुछ सत्य भी हुआ। लेकिन मैंने एक चीज और देखी कि आपके पैर के नीचे खजाना गड़ा है, यदि आप हटे तो मैं खोद लूं। सिपाही मुस्कुराया, उसने कहा, बाबा जी मुझे तो नहीं मालूम कि साधना करके कैसे सोते हैं, आपको कैसे सपना आया मुझे नहीं मालूम, पर आज एक बात बताऊं, कैसा संयोग है, आज रात को मुझे भी एक सपना आया। बाबा जी ने कहा, तुमको क्या दिखा सपने में? बोले, मुझे दिखा एक गांव के पीछे एक पहाड़ी है, गांव छोटा सा है और पहाड़ी ऐसी ऐसी है। बाबा जी ने कहा, मेरे गांव के पीछे भी पहाड़ी? बोले, उस पहाड़ी पे थोड़ा सा कोने पे एक छोटी सी कुटिया बनी है। बाबा जी ने कहा, ऐसे कोने पे तो मेरी कुटिया बनी। फिर सिपाही ने कहा, उस कुटिया में ऐसे घास फूस लगे हैं, कुछ ऐसे पेड़ हैं। और ये बाबा ने कहा, ये तो बिल्कुल मेरी कुटिया का वर्ण है। और भाई, मैंने उसमें देखा कि उसमें एक बाबा जी बैठे हुए हैं। बाबा जी ने कहा, अच्छा हाँ, और बिल्कुल आप ही की सूरत के, मुझे तो लगता आप ही बैठे हैं, ऐसा सपना आया। अब बाबा जी चौंक गए और उसने कहा, बाबा जी उस सपने में मैंने देखा कि बाबा जी जहां बैठे हैं उसके नीचे खजाना गड़ा है। अब बाबा जी को चक्कर आ गया। उस सिपाही ने कहा कि मैं तो कोई साधना करता नहीं, तो मैंने सोचा आया होगा, छोड़ो सपने भी कभी सच होते हैं, पर आपका सपना तो सच हो ही गया, पर मैंने आपको देख के विचार किया कि आप तो वही हैं जो मेरे सपने में आए, तो समझ नहीं आ रहा है कि सपना आपका सच है कि मेरा। अब तो बाबा जी को समझ में आना ही बंद हो गई है कि सच बात है, इसका सपना सच है कि मेरा, क्योंकि यदि मेरा सच है तो खजाना ये आधा आधा करना पड़ेगा, और इसका सच है तो मैं जहां बैठा हूं सालों से वही खजाना छुपा है। कहानी तो खत्म हो गई, पर हमारे लिए अब शुरू हुई कि सबके अपने अपने सच हैं जो नीचे दबे हुए हैं, और सभी लोग अपना सच दूसरे में ढूंढ रहे हैं। पति की प्रसन्नता का सच उसके भीतर है, वो पत्नी में ढूंढ रहा है, बाप बेटे में ढूंढ रहा है, बेटा बाप में ढूंढ रहा है, पत्नी पति में ढूंढ रही है। और हम अपनी खुशी, अपने आनंद, अपने सत्य को संसार में ढूंढ रहे हैं, आप ही के भीतर है। आज अयोध्या कांड हमको यही समझा रहा है कि सत्य को खोजने के लिए यात्रा को उल्टी करना पड़ेगा, बस इतना सक्रिय। इंद्रियां जब संसार से जुड़ जाती हैं तो भोग विलास शुरू होता है, और इंद्रियां जब भीतर की ओर मुड़ जाती हैं तो फिर योग शुरू होता है, और योग ही सबसे बड़ा सत्य है जो आपको परिचित कराएगा। तो आज अयोध्या कांड से हमको जीवन के सत्य को स्पर्श करना है। वो कौन सा सत्य था जो कुसंग करा गया केकई को? वो कौन सा सत्य था जो राम जानने के बाद उसी प्रसन्नता से वन को चले गए? चलिए, तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही घटने वाला है। सत्य तो यह था कि दशरथ जी ने निर्णय लिया कि राम को राजा बनाऊं। एक का सत्य दूसरे के लिए असत्य बन जाता है। मैंने बोला नहीं कि वो असत्य हुआ, मेरा सत्य आपके लिए असत्य है, आपका सत्य मेरे लिए सत्य है। बड़ी लंबी फिलॉसफी है। इसलिए सत्य का एक ही अर्थ लगाइएगा कि मन, वचन और कर्म में जब एक रूपता आ जाए तो समझ लीजिए जीवन में सत्य उतरा। इसी भाव से हम अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। कथा में चलें, आज का सूत्र सत्य है, और देखिए इस सत्य को भी समझिए। जीवन में परिवार का सत्य प्रेम है, समाज का सत्य सेवा है, और व्यवसाय का सत्य परिश्रम है। आज ये तीनों तरह के जीवन अयोध्या कांड में देखने को मिलेंगे। आज परिवार भी देखना मिलेगा, समाज भी देखना मिलेगा, और व्यवसाय भी देखना मिलेगा अयोध्या कांड। शुरुआत परिवार से होगी। राम जी को राज्य का निर्णय हुआ, पर परिवार में सदस्य आपस में ही उलझ गए और राम जी को वन जाना पड़ा।
वो जो अयोध्या के महल में जो परिवार की घटनाएं घटी, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी घटेगी। एक परिवार में सब ठीक चल रहा था, राम जी के परिवार में, लेकिन एक मंथरा क्या आई, राम राज्य को 14 साल फेंक गई। मंथरा कोई व्यक्ति नहीं, मंथरा एक वृत्ति है। जिस दिन और जब हमारे परिवारों में मंथरा नाम की वृत्ति आती है, राम दूर जाएगा ही जाएगा परिवार से। इस वृत्ति को समझना है। इसलिए परिवार का सत्य प्रेम होना चाहिए। यदि आप परिवार बचाना चाहें तो प्रयास करिए प्रेम पूर्ण रहे। फिर आता है समाज का सत्य, वो सेवा। जब राम जी वनवास को निकले तो फिर राम जी का सामाजिक जीवन शुरू हुआ। राम जी ने पहली बार वो समाज देखा जो बहिष्कृत था, जिसको लोग छोटा मानते थे। बस राम ने सत्ता और समाज के बीच सेतु का काम किया, जोड़ दिया सबको। और उसके बाद व्यवसाय समझाया राम जी ने भरत को कि तुम राजा हो, एक राजा यदि वन को चला गया तो अयोध्या की राजगादी सूनी नहीं होना चाहिए। श्री राम ने भरत को समझाया, भरत जीवन में कई विपरीत स्थिति आती है पर अपने कर्तव्य छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज हम इसी सत्य को अयोध्या कांड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए कथा में चलते हैं। दृश्य ये था सज्जनों देवियों की, दशरथ जी की राजसभा लगी हुई, भगवान विवाह करके आ गए। और दशरथ जी ने विचार किया और विचार ये किया कि राम को राजा बनाया जाना चाहिए। तो सबसे सलाह ली कि आप लोगों की क्या सलाह है। सबने जय जयकार की कि दशरथ जी जैसे आप वैसे आपका बेटा। आइए इस दृश्य में चलते हैं, दशरथ जी की राजसभा में चलते हैं। तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड का आरंभ किया उस दोहे से जिस दोहे से उन्होंने हनुमान चालीसा को आरंभ किया। श्री गुरु चरण सरोज रच निजमन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर बिमल जस जो दायक फल चर। गुरु को याद किया है। और अयोध्या कांड में हम चल रहे हैं। राजमहल का दृश्य ऐसा था उस राजसभा का कि सबके सामने हाथ में दर्पण लेके दशरथ जी अपना मुंह देख रहे हैं। आइए इस दृश्य को देखते हैं, ये दृश्य समझा क्या रहा है हमको। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। राय सुभाय मुकुट कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। जरा ध्यान से सुनिए, इन पंक्तियों का अर्थ समझिए। राय सुभाय मुकुर कर लीना। मुकुर कहते हैं दर्पण को, कर मतलब हाथ। दशरथ जी ने भरी सभा में अपने हाथ में एक आईना लिया। बदन बिलो की मुकुट समकीना।